लाइव तस्वीरें इस वक्त आप करनाल की नई अनाज मंडी से देख पा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में किस तरीके से एक बड़ा काफिला किसानों का करनाल की नई अनाज मंडी में पहुंच चुका है। जी हां, एक बड़ा काफिला किसानों का करनाल की नई अनाज मंडी में होना शुरू हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप करनाल से देख पा रहे हैं, करनाल की नई अनाज मंडी में देख पा रहे हैं। एक तरफ तो प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसानों को आज जिला सचिवालय का घेराव नहीं करने दिया जाएगा, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल किस तरीके से बड़े काफिले के साथ किसानों का बड़ा जत्था करनाल के नई अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं। कहां से आए आप? रामी से आए। कहां कहां के किसान पहुंच रहे हैं आज? पूरे हरियाणा पंजाब के किसान पहुंच रहे हैं। कितने संख्या में किसानों के आज पहुंचने की उम्मीद है? अनगिनत है, लाखों की संख्या में पहुंचे। तो क्या लगता है, इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन लगातार कह रहा है कि जिला सचिवालय का घेराव नहीं करने दिया जाएगा, आप लोग घेराव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे जी, कर पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बाइकों पर, ट्रैक्टर पर, ट्रॉलियों पर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान है वो करनाल की नई अनाज मंडी में पहुंचना अब शुरू हो चुके हैं। ये देखिए बाइकों के काफिले के साथ किस तरीके से स्कूटी हो, बाइकें हो, किस तरीके से ये युवा किसान हैं जो अब करनाल की नई अनाज मंडी में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब से कुछ देर बाद ही उम्मीद ये है कि ये जो पूरी की पूरी नई अनाज मंडी है ये खचाखच किसानों से भर जाएगी, और उसके बाद ही पंचायत शुरू होगी। एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरीके से, कौन से रास्ते से किसान आगे जाएंगे, क्या फिर किसान अलग अलग रास्ते से जिला सचिवालय का घेराव करेंगे या फिर एक ही रास्ते से यहाँ से निकलेंगे। ये अपने आप में फिलहाल के लिए एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है, क्योंकि नेशनल हाईवे की बात की जाए तो नेशनल हाईवे इस वक्त खुला हुआ है, जिला सचिवालय के तमाम रास्तों की बात की जाए तो वो रास्ते अभी फिलहाल के लिए तो खुले हुए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की पूरी तैयारी भी है, वहां पर बैरिकेडिंग कर भी दी गई है, लेकिन आम जनता को क्योंकि फिलहाल जाने दिया जा रहा है। तो ये देखिए, ट्रैक्टर पर, ट्रॉलियों पर किस तरीके से बड़े काफिले के साथ करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों ने एंट्री लेना शुरू कर दिया है। हालांकि सुबह से ही किसानों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ से ये तमाम किसान बताए जा रहे हैं जो सामने आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ा काफिला करनाल की नई अनाज मंडी में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, और यहीं से यानी कि करनाल की नई अनाज मंडी से ही महापंचायत होगी, और उसके बाद ही रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरीके से आज 7 सितंबर को जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा। ये देखिए, चंडीगढ़ से बताया जा रहा है कि ये बड़ा काफिला भगवा गुंडे मुर्दाबाद, 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 खाकी गुंडे मुर्दाबाद।
अम्बाला पंजाब से भी, हर स्टेट से, पंजाब हरियाणा जो भी यूपी राजस्थान तक के भी बंदे यहाँ पहुंच रहे हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर सरकार नु यो कहना चाहा भी अगर दोबारा किसी ये तो थाना डंडे मारे हैं, अगर किसी ने किसान का उंगली भी ले दी ना, बर्दाश्त नहीं करने गए हैं। क्या लगता है शांतिपूर्वक तरीके से घेराव करेंगे जिला सचिव? बिल्कुल करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। हर जगह नाके लगा दिए गए हैं, किस तरीके से? ऐसे नाके मैंने फेरे तोड़े हैं, दिल्ली चैलेंज करके गए थे, आज ये तो करनाल तो बहुत नेड़ा आया, जितने मर्जी करा मैं सरकार नु। सर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो लगाई गई है क्या लग रहा है? जब हम दिल्ली गए थे सारा कुछ था इनके पास, जो जो भी इनके पास था सारा कुछ लाया था, दिल्ली पहुंच कर दिखाया, आज कह रखा है संयुक्त मोर्चे की जो भी काल होगी, अगर उन्हें कहा भी सेक्रेटरी घेरना, सेक्रेटरी घेरेंगे, डीसी दफ्तर घेरना, डीसी दफ्तर घेरेंगे, जो भी संयुक्त मोर्चे की काल होगी वहां पहुंच कर दिखाएंगे, सरकार रोक कर दिखावा। सरकार कह रही है कि हम यहां तो पंचायत करने देंगे लेकिन आगे नहीं जाने देंगे, हमारे को कड़ी कार्रवाई के लिए। हम तो मानो नहीं, वो भी कहां थे सरकार, तो फिर दिल्ली नहीं जान देने के, पहुंचे थे कि नहीं दिल्ली? करनाल कहता करनाल मंडी में आवेंगे, सरकार ने कल बैरिकेड लाए थे, क्यों टाए हैं बैरिकेड? लांदे रख दे वही बैरिकेड लगा सड़कों के ऊपर, जहाँ पिपली बैरिकेड लाए थे थाने, फिर दिखा दे थाने हम किस तरह करनाल मंडी में और किस तरह किसी दफ्तर जाना। ट्रालों लगाए गए, ट्रालों के ड्राइवर कह रहे हैं कि हमारे को चलान के नाम पे लेके आए हैं, ना रोटी दी, ना पानी दिया, ना रहने को कुछ दिया। यही काम इन्होंने दिल्ली किया था, उनकी चाबियां खोस ली थी, पैरों की हवा कर दी थी ट्रालियों की, और जाम कर दिए थे उनके प्रेशर डाउन करके। फिर भी मैंने ट्राले वाले मैंने बताया ट्राले वाले ने भी इनके पास मारी चाबियां जी, इन पर चाबियां ले दी, मैंने कहता भी या तो चाबियां दे दो नहीं तो हम हमारे पास सारा इंतजाम। ये सवाल उन ट्रक वालों से भी पूछना चाहिए कि उनकी दिहाड़ी उन्होंने दी, उनका खर्चा उन्होंने दिया, जो पहले ट्रक वाले थे उनको दिया, उनको मुआवजा दिया, उनके ट्रकों का नुकसान है, उनके टायर तक ये फाड़ देते हैं, और ये क्यों इन्हें मजबूर करते हैं, क्यों इन्हें पुलिस का डर दिखाया जाता है? हमारे SKM की बड़ी लीडरशिप आएगी, ये करनाल की बात करते हैं, अगर उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ घेरना है तो चंडीगढ़ भी घेर लेंगे। किसान एकता, और हम इस हरियाणा प्रदेश को, इस देश को संगीस्तान नहीं बनने देंगे। मैं एक बात और कहना चाहूं सरकार नु, उस दिन आपने थोड़े किसान देख का हमारे किसानों पर जो जुल्म करया ना, एक एक जुल्म याद आ, बदला लेंगे उसका, टाइम आन दो। और मैं किसानों नु सारा नु कहना चाहूंगा कि जो भी संयुक्त मोर्चे की काल होगी, आपने शांतिपूर्वक यहाँ से जहाँ भी जाना है, बैरीगेड तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बैरीगेड तोड़ना हमारे वास्ते एक सिर्फ छोटी सी बात आ। जब संयुक्त मोर्चा काल करेगा, ना कोई ट्रक मिलेगा और ना ही कोई ट्रैली मिलाई थानू वहाँ, जो इन्हें रास्ते में ला रखी है, ना ही कोई पुलिस वाला मिलेगा अपने पास। बीजेपी के कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि पंजाब में इस बार हम अकेले सरकार बना के दिखाएंगे। जौन सी निकरा पावा ना अकेले कह रहे हैं, निकरा नहीं रहनी है। यो सोच लिया अगर किसी ने पंजाब में जाकर पंगा ले लिया, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पूरा हरियाणा भी वहाँ है, दो 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 तीन इलेक्शन धरे हम देख लियो करेगा, खाली यूपी में ऐसी कसाई करेंगे, रखेंगे दमी रात। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान है एक बार फिर से पहुंच गए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीर इस समय करनाल की नई अनाज मंडी से आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई की चुनौती दे दी, और अब देखना होगा कि क्या आज बैरिकेड टूटेंगे, क्या आज किसान लघु सचिवालय जा पाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी की हैं और किसान भी दूसरी तरफ नरम रुख अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं FM 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल की नई अनाज मंडी से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।